वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत करुच्छी भारती क्लासेस को। मु आपण मानकर सागर सर। दशम श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहीर द्वितीय पद्य जहार नाम होची भीमंक सिंहनाद रड़ी। कौन सारला दासंक भीमंक सिंहनाद रड़ी। ये विषयटा तो आम प्रथम भिडियो शेष कर सारे। द्वितीय भिडियो यार एक नंबर रु आठ नंबर पर्यंत क्वेश्चन आंसर को सारीदे। एबे यार परवर्ती वीडियो माने ई वीडियो रे आमे 9 नंबर रु 19 नंबर पर्यंत ई सब तक क्वेश्चन आंसर को आलोचना करबा, जोडा कि आपण मानकर 2 मार्किया एवं 3 मार्किया प्रश्न रे आसीबो। तो चालंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करबे नाही, शेष पर्यंत देखिबे। आपणकर दशम श्रेणी हेलाणी, आपण सिन्सियर होबा निहाती दरकार। पाठ पढ़ला बेले तो डिस्टर्ब बिल्कुल भी होबा उचित नहो। तो चालंतु स्टार्ट करबा आजर वीडियो को। तो देखंतु प्रथमे 9 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। सिंहनाद किपरी गति करी भीमंक हस्त को आसिला। सिंहनाद किपरी गति करी भीमंक हस्त को आसिला। सिंहनाद अंतरिक्ष रे बा आकाश पथरे गति करी व्यास सरोवर तीर रे माने कूल रे रहिथिबा भीमंक हस्त को आसीथिला। जेहेतु महादेव अंतरिक्ष रे माने स्वर्ग रे अछंती बा आकाश रे अछंती, जितेबले सिंहनाद को माने जो यही वाद्यजंत्र को शिवंक ठारू प्रार्थना करके मागिथिले किए भीमसेन, से समय रे ए सिंहनादटी अंतरिक्ष रु आसीथिला व्यास सरोवर कूल रे बा तीर रे जोंठरे भीम ठिया हेथिले एवं तांकर हस्त को आसीथिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। व्यास सरोवर रो महात्म्य लेख माने व्यास सरोवर रो महान गुण कौन अटे, क्यों कारण पई व्यास सरोवर प्रसिद्ध अटे। चलंतु आंसर को देखिबा। व्यास सरोवर हेउची विपदरे पड़ी शरण नेथिबा व्यक्तिंक पई अभय आश्रय स्थल, अर्थात जे कोनोसी व्यक्ति जदि विपदरे पड़ी आ शरण नबा पई एही व्यास सरोवर कूल को आसी व्यास सरोवर रे आश्रय नबा को आसी, ताले से अभयर सहित बा निर्भयर सहित सेठी आश्रय नै परिबो, कोनोसी विपद ता पर्यंत पहुँची परिबो नाही। एवं एठारे शरण नहीं व्यक्ति को मारिबापाई तार शत्रु सेठा को जाईपारे नाही, अर्थात कौन सी शत्रु व्यास सरोवर रे जी आश्रय नहीं मारिबापाई पहुँची पारिबो नाही। शरणकारीर शत्रु जदि बलपूर्वक सेठारे प्रवेश करे ताहेले से ध्वंस होइजबो बोली शिव अभिशाप देथिले। जदि व्यास सरोवर रे केही आश्रय नहींछंती, जदि केही जोर जबरदस्ती बलपूर्वक आसिकी जणे शत्रु एही व्यास सरोवर लोक को मारिबा को चेष्टा करिबो, ताले सेही व्यक्ति ध्वंस पाइजबो बोली महादेव शिव कहिछंती बा अभिशाप रखिछंती। तेणु करी एठी बलपूर्वक केही भी व्यास सरोवर रे जे आश्रय नेथबो ताको आक्रमण करि परिबे नाही, किंतु ता पई किछि बहुत सारा शर्त थिला, जे शर्त को जदि पालन करिबो ताले सेही व्यक्ति को मध्य मारि दिया जाई पारिबो। ओके, तो सेही भली भाव रे भीमसेन कोन करथिले एही सिंहनाद को प्रार्थना करथिले बा सिंहनाद वाद्यजंत्रटी को मागिथिले काहांकु महादेव को, जो वाद्यजंत्र सुनिला परे कोन सेही सरोवर रु से बाहर के आसीथिले एवं तांकर मृत्यु होइथिला। हाँ कि नाही। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रथम थर सिंहनाद रड़ी रे पृथ्वी रे की विलक्षण मान देखा देला। प्रथम थर सिंहनाद रड़ी रे महिमंडल प्रकंपित हो गला। महिमंडल माने कोन धरापृष्ठ प्रकंपित होइगला। नलिनी पत्र रे जल ढल ढल हेला परी, नलिनी माने काहाकु कुहा जाउछि पद्म फूल को कुहा जाउछि। नलिनी माने कोन पद्म फूल तहार पत्र रे जो पानी थाए से ढल ढल हेला ढल ढल हे कि थाए हेला परी पृथ्वी थर थर होई उठिला। जेमिति पद्म फूल रो पत्र रे पानी ढल ढल हुए सेमिति पृथ्वी मध्य थर थर होइतिला। मंदर पर्वत तार निर्दिष्ट स्थान छाड़ी किछि दूर बुलीगला। तो यह भली प्रथम थर जितेबले सिंहनाद रड़ी होइतिला पृथ्वी रे लक्षण मान देखा देइतिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। द्वितीय थर सिंहनाद रड़ी रे सौर जगत रे की विलक्षण देखा देइतिला, ना द्वितीय थर भीमसेनक सिंहनाद रड़ी हेबारु ताहार प्रभाव रे 600,000 योजना पर्यंत आकाश कंपी उठिला। एटा गोटे दूरतार माप हैला 600,000 योजना, आम जमी कहे 10 किलोमीटर सेमती एटा गोटे पौराणिक माप अटे बा मेजरमेंट अटे, सेटा ही कहा जाउछि 600,000 योजना पर्यंत आकाश कंपी उठिला। पातालपुर रे थिबा अनंतनागर फणा कंपमान हैला। अनंतनाग माने शेषनाग जहाँ को आम कहे तहार फणा कंपमान हैला। नवदीप सप्त सागर
कम्पी उठिला नवद्वीप माने कौन नौ द्वीपर समाहार आ सप्तसागर माने सात सागर समाहार ये समस्त कम्पी उठिला ओ मेरु पर्वत टलमल हेला सौर जगत रे थिबा आदित्य मंडल भूमंडल ध्रुव मंडल अमर मंडल सहित सिंधुर लहड़ी आकाश पर्यंत उछुली पड़िला सिंधुर लहड़ी आकाश पर्यंत छिड़ी पड़िला बा उछुली पड़िला। तो सबुतक पॉइंट को मन रखा पड़ो प्रथम थर सिंहनाद नड़ी रड़ी रे कौन कौन होता ना पृथ्वी थरहर होता जमीक नलिनी पत्र पद्मफुलर जो पत्र थाए से जिते बड़े जल ढल ढल होता है जो भाई भाव में ढल ढल होता है पृथ्वी सेमती थर थर होता द्वितीय सिंहनाद रड़ी रे कौन कौन होता ना छह लक्ष योजना पर्यंत आकाश कंपी उठी देन अनंतनागर फणा कंपमान हो उठी नव दीप सप्तसागर इत्यादि कंपी उठी एवं मेरु पर्वत टलमल होता सौर जगत रे थिबा आदित्य मंडल भूमंडल ध्रुव मंडल इत्यादि आकाश पर्यंत उछुली पड़िला। इतक पॉइंट आपण मानक भलि मन रखिक लिखा पड़ो जहाँ जहाँ पॉइंट अच्छे से गुड़ाक आपण मानक लिखा पड़ो। परवर्ती प्रश्न को चलतु नवद्वीपर नाम लेख नवद्वीप माने कौन नौटा द्वीपर समाहार से नौटा द्वीप गुड़िक कौन कौन देख इंद्रद्वीप नागद्वीप सौम्यद्वीप गंधर्वद्वीप वरुण द्वीप कशेरुमान द्वीप गौस्तीमान द्वीप ताम्रपर्ण द्वीप कुमारिका द्वीप नौटा जाक मन रख बेले बेले प्रश्न पड़ी सब बेले तो पढ़ुनी ये शेष पांच वर्ष प्रश्नटी रिपीट होनी के बट आपण मैंने मन रखा भल कथा हे। परवर्ती प्रश्न को जी सप्तसागर नाम लेख कौन कौन सतटी जाक सगर दधि दुग्ध घृत लवण इक्षु सुरा एवं जल ये होछंती से सात सागर नाम मन रखिदेवे ना आप नोट्रे लिखिक रखत बारंबार रिभाइज करज हे। परवर्ती प्रश्न द्वितीय रड़ी रे दुर्योधन किपरी बाहर को आसला द्वितीय रड़ी रे दुर्योधन किपरी बाहर को आसला ना द्वितीय रड़ी रे दुर्योधन रे रेकार शब्द करी केमिती ना रे रेकार शब्द करी बक्षस्थल हाथ पिटी बक्षस्थल माने कौन छाती रे हाथ पिटी बाहास्फोट मारिबा सहित गर्जन करी बाहास्फोट मारिबा कौन माने निजर बलपूर्वक देखे बल देखेबा भली बा सी सबुठ बलवान बोली देखे कि गर्जन करी क्रोधित नयन पूर्वक महालक्ष्मीकर बारण को अवज्ञा करी बाहर को बाहरी आसला केतेबेले द्वितीय रड़ी रे भीमंक सिंहनादर द्वितीय रड़ी रे दुर्योधन किपरी बाहर को आसला प्रथमे कहला रे रेकार शब्द करी प्रथमे रे रेकार शब्द करी तापर बक्षस्थल हाथ पिटी करी बाहास्फोट मारी गर्जन करी क्रोधित नयन पूर्वक महालक्ष्मीकर बारण को अवज्ञा करी बाहर को बाहरी आसला। एक्चुअली महालक्ष्मी ताकु बारंबार कहते कि तू सतटा रड़ी पर्यंत सही जापर तू अमर हो ते कही परास्त करें किंतु एठी दुर्योधन से ही रड़ी को सही नपारी बा सिंहनाद रड़ी को सही नपारी बाहर को आसी से माता महालक्ष्मी बारण सत्य भी से सब वृक्षेप करके बाहर को आसी तार मृत्यु होता। नेक्स्ट क्वेश्चन षोल नंबर महालक्ष्मी दुर्योधन को कौन कौन कही बाहर को जीवापी बारण कले ना भीमंकर द्वितीय सिंहनाद रड़ी रे दुर्योधन जितेबले क्रोधित हो बाहर को जीवापी प्रस्तुत है सेतेबले महालक्ष्मी दुर्योधन को भिड़ी धरी बाहर को न जीवापी कहले किए क्या धरिकी रखिले कहले ना महालक्ष्मी दुर्योधन को भिड़ी धरिकी बाहर को न जीवापी कहले लक्ष्मी कहिले बहुत प्रतिज्ञा करितेलु भीमर सात रड़ी सहिबु बोली कौन कहितेलु ना मु भीमर सात रड़ी सहिजिबी आतु प्रतिज्ञा करितेलु एभली सचेतन करी से बा महालक्ष्मी दुर्योधन को बाहर को जीवापी बारण करितेले मन रहिबना केतटा रड़ी पिला माने सातटा रड़ी सिंहनादर सातटा रड़ी जदि सही जाता दुर्योधन तेल दुर्योधन भीमसेन मारी पार ना था से अमर हो पारि था किंतु द्वितीय रड़ी सही न पारिकी से रे रे करी बाहर को आसी भूली जाता प्रतिज्ञा करने कथा कि मुझे सतटा रड़ी को सहबी बोली ओके तो से महालक्ष्मी
बारण को वृक्षेप नक बाहर को आसी परवर्ती प्रश्न को जी। 17 नंबर प्रश्न, दुर्योधन महालक्ष्मी को किपरी अवज्ञा कले। भीमर द्वितीय सिंहनाद रड़ी शुणी दुर्योधन क्रोधित होई बाहरी जीवापी चाहिए। भीमर द्वितीय सिंहनाद रड़ी शुणी दुर्योधन क्रोधित होइले एवं बाहरी जीवापी चाहिए। महालक्ष्मी दुर्योधन को भिड़ी धरी जीवापी बारण मध्य कले, मात्र दुर्योधन महालक्ष्मी बारण को अवज्ञा कला, तांकरी हाथ को पेली दे भर्सना करी बाहर को बाहरी जाइथिला। तो जेतेबेले महालक्ष्मी दुर्योधन हाथ को जबड़ी धरीते जीवापी बारण करते न जीवापी कहते से महालक्ष्मी हाथ को से फोपाड़ी देता एवं अनेक भर्सना करी निजे बाहर को बाहरी जाइथिला। परवर्ती प्रश्न को जी। 18 नंबर प्रश्न, कौन कहूँ लक्ष्मी कहीं दुर्योधन को छाड़ी पड़ाइले। महालक्ष्मी कहीं दुर्योधन को छाड़ी पड़ाइले, तो देखु दुर्योधन जितेबले महालक्ष्मी बारण को खातिर नक हाथ को ठेली दे भर्सना कले से महालक्ष्मी दुर्योधन को छाड़ी पड़ाइले, अर्थात से दुर्योधन लक्ष्मी छड़ा हो जाते। परवर्ती प्रश्न को जी। 19 नंबर प्रश्न, दुर्योधन गदाद्वयर ओजन केते परिमाणर थिला। दुर्योधन गदाद्वयर ओजन 70-70 भार परिमाणर थिला। केते भार ना 70-70 भार परिमाणर थिला। ओके, दुर्योधन दुईटा गदार ओजन 70-70 भार परिमाणर थिला। तो ये थिला आपण मानकर 9 नंबर ठारु 19 नंबर प्रश्नर सबुतक 2 मार्किया एवं 3 मार्किया प्रश्नर सठिक उत्तर। पूर्वरु एक भिडियो में 1 नंबर 8 नंबर सबुतक प्रश्नोत्तर को आलोचना करी, ये जहाँ भी क्वेश्चन आंसर आलोचना कली सबुतक बहीर अभ्यास कार्यर बुझीला, जहाँ भी आपण मानकर अभ्यास प्रश्नोत्तर थिला ताहरी उत्तर गुड़िक मुझ सहित आलोचना कली। यार परवर्त भिडियो में एक लंग क्वेश्चन नहीं आसपी, तो निहाती भाव में भिडियो टी देखिए। यही सहित आपण मानक टोटाल विषयटी शेष होदी आपण मैंने ओडिया ग्रामर पढ़ाक चाहते मते निश्चित भाव में कमेंट्रे कहीं जड़े भी जनईदे मुड़िया ग्रामरटा को पूरा कम्प्लीटली शेष करी। मे बी द बेस्ट वेज्रे मुझे शेष करने को चेषा करी। आई होप आपर कि भी डाउट रही जिते बड़े मुझे ग्रामर पढ़ेबी। ओके, तो बास आपण कमेंट को अपेक्षा रहा। आदि भिडियो भल लगी निश्चित भाव में कमेंट्रे जनइब। भिड को शेष पर्यटन देख देखी थनेक अनेक धन्यवाद। चलतु देखा परवर्त भिडियो एक नुआ लंग क्वेश्चन। धन्यवाद पे, जय जगन्नाथ।